एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर मैंने बीटेक किया, मेरा अच्छा परसेंटेज भी है, मेरे पास अच्छा स्किल भी है, बट जॉब नहीं है। आप तो बोलते रहते हो बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है, मेरे बारे में बताओ। तो पता नहीं वो बच्चा सोचा होगा नहीं सोचा होगा, इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा नहीं वीडियो बनाऊंगा, बट डेफिनेटली मेरे को लगा कि ये कुछ हद तक काफ़ी सच्चाई है, तो इसको मुझे डिकोड करना चाहिए ताकि अपकमिंग बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जो प्रॉब्लम इस बच्चे ने फेस किया, इस तरह का प्रॉब्लम जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो उनको ना करना पड़े, दैट इज़ वाई बेसिकली आई डिया। बिकॉज मेरा वीडियोज़ का बताने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको अगर ये प्रॉब्लम आए, सेम प्रॉब्लम, तो आफ्टर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो आई एम प्रिटी श्योर, अगर हमारा स्टेप, मेरे जो आपको स्टेप बताऊंगा वीडियो में, उसको अगर फॉलो करते हो, तो भाई ये प्रॉब्लम आपको बहुत हद तक नहीं आएगा। बहुत हद तक क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अपने जो सिचुएशन होता है खास कर पैसे कमाने का, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड डेफिनेटली करता है, बाकी एनवायरनमेंट फैक्टर, आसपास कितने कंपटीशन है, उस पर डिपेंड करता है। ये खाली इस जॉब में नहीं है, हर जगह है। आजकल तो हर जगह पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्शन, तो डेफिनेटली ये उसमें भी है। अगर आपका ओपोनेंट कैंडिडेट काफ़ी शार्प है, काफ़ी अच्छा बातें करता है, काफ़ी अच्छा बोलता है, तो भाई आप कितने अच्छे काम कर लो, वो आगे आपसे निकल ही जाएगा। समझ रहे हो कहानी क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आगे हम बात करते हैं इस पर। तो ऐसा पहले इस वीडियो में दो पार्ट में लूंगा। जो बच्चा ने बोला कि सर बीटेक में अच्छा मार्क्स लाया मैंने, अच्छा स्किल है, फिर भी जॉब नहीं, ऐसा क्यों है, पहला पार्ट। दूसरा, क्या ऐसा करो ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे ऐसा क्यों है। उससे पहले कुछ बता देता हूँ, बताने बहुत दिन पहले तक बताया नहीं मैंने। भाई अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, आपके स्टेटस के हिसाब से, आप कितने अच्छे पढ़ते हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, इसके हिसाब से अपन एक करियर गाइडेंस सेशन रखते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर प्लान आपके लिए, मैं बना के दूँ पर्सनली, वन टू वन मीट होगा, वीडियो कॉल, वीडियो सेशन होगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए अभी बुक करिए, और कब नेक्स्ट मेरा स्लॉट खाली है उस पर अपना टाइम लेके मिलिए मेरे से, ये आपको हेल्प करेगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं, आप पेरेंट्स हैं आप डायरेक्टली आ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड यू विल गेट अमेजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी, बिकॉज नेट पर इन्फॉर्मेशन जो होता है हाफ बेक्ड होता है, और काफ़ी हद तक हम पूरा इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाते, बिकॉज इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, किस पर भरोसा करें भाई? और भरोसा करेंगे तो हम जो आप जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं एग्जैक्टली वो मिलता नहीं है, बहुत जगह पर वो प्रॉब्लम रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो डिस्क्रिप्शन लिंक जाइए, उसके साथ मैं आपको देता हूँ 2500 कोर्सेज फ्री। जैसे इंग्लिश का प्रॉब्लम बहुत सारे को है, मार्क्स नहीं आने का प्रॉब्लम बहुत सारे को है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर नहीं पाते, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं लगता है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसका सोल्यूशन का एक कोर्स है। दूसरा कोर्स आपको बताता हूँ, जैसे ग्राफिक डिजाइन लिख सकते हैं, वो भी कोर्स आपको मिल जाएगा, सी सी प्लस प्लस, कॉन्टेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे। 10 कोर्सेस है आपको फ्री मिलेंगे काउंसलिंग के साथ। उस कोर्स का जो बाहर से कोई बाय करता है सिर्फ इंग्लिश का कोर्स, तो हमारे एक से ही बाय करता है, 500 का पड़ता है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन लिंक के जाइए और अपना स्लॉट बुक करिए। तो पहले पढ़े बात करते हैं इस बच्चे के साथ, या फिर ऐसे होता क्यों है कुछ बच्चों के साथ। तो पहला आपको बताया तो, अगर कोई बच्चा मार्क्स अच्छा ला रहा है तो वो क्या करता है, सिर्फ मार्क्स से पीछे भागता है, या फिर स्किल ला रहा है तो वो स्किल पीछे भागता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत बढ़िया स्किल होता है, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, फिर भी जॉब नहीं लगता, ऐसे बहुत कम होते हैं। अगर किसी के पास अच्छा स्किल है, अच्छे मार्क्स है, तो जॉब लेने का चांसेस बहुत हाई है। ये कम कैटेगरी वाले बच्चे हैं बट कम है। मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम क्या रहता है, अच्छा मार्क्स आया, स्किल नहीं है, अच्छा स्किल है, मार्क्स नहीं है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, अच्छा स्किल है, मार्क्स नहीं है, तो एलिजिबल ही नहीं हुआ, शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ। तो जब शॉर्टलिस्ट नहीं होगा भैया जॉब कौन देगा? कई आपको बोलेंगे स्किल मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है, सफेद झूठ है, काफी मैटर करता है डिग्री। यूपीएससी क्लियर करके दिखाओ बिना डिग्री का, फॉर्म नहीं भर पाए। जेडब्ल्यू का एग्जाम देके दिखाओ बिना प्लस टू का डिग्री का सर्टिफिकेट का, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एलिजिबल नहीं।
यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट दैट एग्जाम, फॉरगेट अबाउट गेटिंग जॉब। सो अगर कोई एग्जाम, अच्छा बोलोगे प्राइवेट ही मिल जाएगा, अप्लाई करके देखो ना भाई साहब, बहुत रेयर केस होता है, रेयरेस्ट बोलूंगा तो खराब नहीं होगा। ये जो आप देखते ना ड्रॉप आउट था कॉलेज से, भाई बहुत बढ़िया कंपनी बना दिया, कॉलेज का नाम देखना, उस कॉलेज में जाता है बंदा, जो सीखेगा कॉलेज में जाके उसको पहले से ही आता था तो काहे को पढ़ाई करेगा, अपना बिजनेस बड़ा खड़ा कर लिया उसने। पर एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2017-18 की बात है, मेरे को दिल्ली से बाहर जाना था, ठीक है, बाहर मतलब के दिल्ली से कुछ होना था बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, सिंपल। सो मैंने देखा आपका पीएचडी कर लेता हूँ मैं, 4-5 साल में हो ही जाएगा पीएचडी, इतना टाइम लगता है भाई, 4 साल तो मिनिमम लगता ही है। मेरे काफ़ी लोग करते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, अच्छे कॉलेज से पीएचडी कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, तो 5 साल लगता है आपका, स्टाइपेंड मिलता है 30,000, 32,000, 34,000, 36,000 से बढ़ता रहता है, 4 साल का स्टाइपेंड मिलता है। तो उधर मैं पीएचडी का एंट्रेंस दिया, मेरा क्लियर हो गया, इंटरव्यू में सारे ऐसे पैनल बैठे थे, तो मेरे को पूछे भाई आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, नेट पर पढ़ाता हूँ, कोचिंग के लिए पढ़ाता हूँ। तो बोलते हैं कितने कमाते हैं आप, मैं सर इतना कमाता हूँ, मैं तो बोलता हमारा टीचर कितना सैलरी नहीं, कहा आना चाहते हो आप, मुझे डिग्री मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा और बच्चों को अच्छा सिखा पाऊंगा। बोले हाँ तो बात सही है आपका, एचओडी सर जो थे उस कॉलेज का, टॉप कॉलेज है भाई, टॉप 20 कॉलेज में आते हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला सर ठीक है, तो मेरा एक डिमांड था कि सर मैं कैंपस में रह नहीं सकता, मेरे को अपने फैमिली के साथ रहना है, तभी मैं आ रहा हूँ पीएचडी करने, नहीं तो मैं दिल्ली में था आराम से, जो बढ़िया चल रहा था काम वहाँ पर। तो नहीं सर, आप तो आपको आना ही पड़ेगा, कैंपस में रहना ही पड़ेगा आपको, पर आपको हम मून लाइटिंग करने नहीं देंगे, मतलब क्या आप पढ़ाई के साथ काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते। तो मैंने सोचा मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो ये सब धंधा पानी छोड़ दूँ, नेट्स पर जो पढ़ने का काम है, अपना बिजनेस है उसको छोड़ दूँ। तो उन्होंने बोला, तो मैंने देखा हिसाब करके देखा कि मुझे पीएचडी नहीं करना चाहिए, अभी जो मैं कर रहा हूँ धंधा पानी और पढ़ाने का जो मेरा काम चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहिए। तो सिमिलर वे में मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, वो जो आप देखते हो एग्जाम्पल सुनते हो वो थोड़ा अलग लेवल का होता है। तो कमिंग बैक टू द स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक कि भाई क्यों जब लगता नहीं, जब दोनों चीज होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बोल सकते हो एक्शन, मतलब वो प्रॉपर जगह पर जाते ही नहीं, इसलिए जॉब नहीं लगता। टू बी ऑनेस्ट हमारे पास बहुत से लोग काम कर चुके हैं, काम कर भी रहे हैं, तो हमारे पास जब 100-200 एप्लीकेशन आता है एक बंदे को हम सिलेक्ट कर पाते हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, काफ़ी कंपनीज वाले सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्राइवेट भी फेस कर रहे हैं और सरकारी भी फेस कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल होता आपने देखा होगा, आईटी कंपनी के बाहर लंबे लाइन लगा हुआ है, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, जॉब्स वैकेंसी कितना होगा, 100-200 होगा, हजारों लोग खड़े हैं वहाँ, तो कितना सिलेक्ट करेंगे, 100-200, या फिर नहीं भी करेंगे अगर नीट मेरे को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो मतलब इससे क्या समझ में आता है कि भैया एक बात तो सच्चाई है, मार्केट में अच्छे स्किल वाले बंदों की कमी है, तो ये बात सच है। तो उनको जॉब क्यों लग रहा है, बिकॉज वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाते। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं टिप्स बताऊंगा आप यहाँ पे। दूसरा क्या है, किसी के पास स्किल है, किसी के पास अच्छा परसेंटेज नहीं है तो शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, किसी के पास अच्छा परसेंटेज है स्किल नहीं है तो शॉर्ट लिस्ट हो भी गया तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता है, तो जॉब नहीं लगता उसको। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो बच्चे होते हैं वो सेकेंड थर्ड ईयर से प्रिपरेशन प्लान नहीं करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है बीटेक के बाद, ये क्या बोलते हैं, बीटेक के बाद सोचेंगे, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर्स माइट ईयर। बीटेक का सोचोगे तो आप 3 साल पीछे हो जाओगे। आजकल के बच्चे फर्स्ट ईयर में सोच लेते हैं क्या करना है मेरे को, भाई पैदा होते सोच लेते हैं मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, लोग बोलेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है, कुछ तो गोल रखना ही पड़ेगा, बिना गोले काम नहीं बनेगा। आप अगर देखे होंगे मेरा वेट 2 महीना पहले जितना था उससे मैंने बहुत कम कर लिया, फूड कम नहीं किया, बस मेरे को टारगेट था कि 2 महीने मेरे को अपना वेट इतना कम करना है, एंड आई हैव डन दैट। कहानी समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। सो आपको एक अपना टारगेट बनाना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं अब कैसे इस तरह का सिचुएशन से आप बचेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। अगर आप सिचुएशन में रह लिए तो बचने के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे बचो, कैसे बाकी बच्चों से आप दूर जाएंगे। तो सबसे पहले कॉलेज जाते ही एक चीज़ आप, अच्छा ऐसे अगर जॉब नहीं लगता उसके पीछे और एक रीजन होता है, कॉलेज प्लेसमेंट ही नहीं होता है। जब कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगा मतलब कंपनी वाले कैंपस में नहीं आएंगे तो जॉब कहाँ से लगेगा आपका, खुद से जॉब लेने जाओगे बहुत डिफिकल्ट है। अगर कैंपस से जॉब लेना 10 में 5 डिफिकल्ट है, कैंपस से बाहर ऑफ कैंपस जॉब लेना 10 में 8.5 डिफिकल्टी लेवल। तो कैसे आप ये जो प्रॉब्लम है इसको फेस करेंगे और अच्छा लाइफ जीने की कोशिश करेंगे और इस तरह दुविधा में नहीं रहेंगे, मतलब जॉब नहीं है यार, घर वाले पड़ोसी पीछे पड़े हैं,
क्या कर रहा है क्या कर रहा है जैसे पता नहीं क्या चल रहा है। अब भाई वो पड़ोसी को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, एक बात याद रखना भाई, आपका अच्छा दिन चल रहा है तो सब बढ़िया, आपका बुरा दिन चल रहा है घर वाले भी शायद आपके साथ ना आते, ऐसा पॉसिबल है। तो टूटना नहीं है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है ताकि यही बंदे आपका तारीफ करें एक दिन, और वो दिन लाना है आपको, और उसके लिए आपको एफर्ट डालना होगा। कहानी सुन रहे क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट वट आई एम ट्राइंग टू से? अब आपको बताऊँ मैं क्या करना है आपको। भाई साहब बीटेक करने चले गए, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपको लाइफ से क्या चाहिए, वट यू वॉन्टेड टू गेट फ्रॉम योर लाइफ, डू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड स्टार्ट। खाली प्रिपरेशन मतलब प्लान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो अपने कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करो पहला, ऐसा हो सकता है। या फिर आप प्रिपरेशन करिए सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए, या फिर आप प्रिपरेशन करिए खुद के फील्ड में माहिर होने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट बनाइए, क्या मार्केट चल रहा देखिए, एक्सपो वगैरह देखिए, बहुत सारे टेक फेस्ट होता है उसमें जाइए, एक्सप्लोर करिए, अपना प्लान बनाइए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। और 3 साल जब आपने प्लान में काम करेंगे, देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट का उम्मीद रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ आप फिर समझेंगे। मेरा प्लान था जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था कि भाई मैं नेट से कुछ पैसे कमाऊंगा। मेरा पहला चेक आया था मेरे पापा के नाम से आया था, बिकॉज मेरे पास अकाउंट नहीं था उस टाइम, तो लगभग 972 रुपये का पहला चेक था, ये इंडियन करेंसी था। अगर मैं आउट साइड इंडिया की बात करूँगा तो मेरा पहला अर्निंग था $20 के आसपास, वो मेरे अकाउंट में आया था, बिकॉज तब तक मेरे पास अपने अकाउंट नंबर आ गए थे। तो ये जो पैसा आया, आने के पीछे जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने काम किया, उसमें डिफरेंस है मेरे दोस्त। तो प्लान करना इम्पोर्टेंट है, पर उस पर काम करना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लान करके काम करना पड़ेगा, तो मेक योर प्लान फ्रॉम सेकेंड ईयर। इसमें क्या कंपोनेंट्स होता है, आप क्या बनना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या रिसोर्स है उसके बनने के लिए, कौन कौन शहर में आप वो काम कर सकते हैं, ये सब सिलेक्ट करिए और अपना नेटवर्किंग सिस्टम बनाइए। सोशल मीडिया का यूज करिए, जो आपको नया आता है उस सोशल मीडिया पर डालिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन पर डालिए, व्हाट्सएप, उससे क्या आपका अगर नेटवर्क बनेगा। कोलैबोरेशन करिए दूसरों के साथ, फॉर एग्जांपल आप सीएससी ब्रांच से, आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं कुछ आपको स्टाइपेंड दे दूंगा, पहले देख लूंगा, कुछ काम आता नहीं आता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास रहते हैं। वैसे मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए। इफ यू हैव गुड आप इफ यू कैन डेवलप गुड एप्लीकेशन नेटिव और हाइब्रिड वट एवर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपका काम अच्छा है मैं आपको स्टाइपेंड भी दूंगा। कैसे कॉन्टैक्ट करना वो आप ढूंढो भाई, नंबर मिल ही जाते हैं ढूंढने से, बस व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, कॉल कोई रिसीव नहीं करता, व्हाट्सएप करने के लिए नंबर को सेव करना पड़ेगा फिर व्हाट्सएप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, किसको किसको पता नहीं था पता नहीं चाहिए कमेंट में ये चीज, और किसको किसको पता है ये भी कमेंट बताइए। तो 2 पार्ट मैंने बताने की कोशिश किया, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बताऊंगा, लाइफ में क्या करना चाहिए, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डायनामिक हैं तो बिजनेस से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप डायरेक्टली अगर आता है स्टार्ट करो, या फिर एक्सपीरियंस से स्टार्ट करो, दैट इज ऑन यू। अगर आपको लगता है मैं अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ ठीक ठाक, मेरे को फिक्स टाइम जाना है अपना ऑफिस, ज़्यादा मेरे को दिमाग खर्चा नहीं करना है, प्रमोज मानना है, टाइम अपना दिमाग अपने पास रखना है, भैया सरकारी जॉब ही है, अच्छा पैसा मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं सरकारी जॉब का मजा भी लेता चाहता हूँ और अच्छा एफर्ट डालना चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ, ग्रोथ भी चाहता हूँ, देन PSUs, पब्लिक सेक्टर अटेंडिंग, सरकारी जॉब जैसा एक बार जॉब एक बार इन जनरल जाता नहीं है, और सैलरी अच्छा मिलता है, पी आपका स्टाइपेंड मिलता है, बोनस मिलता है, जो इन जनरल आपके सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स मिसिंग रहता है, समझ रहे, जैसे पूजा बोनस 2 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती नहीं है आपको, लेकिन उधर मिलता है, ठीक है। इतना इस वीडियो में, आई होप यू गॉट सम आइडिया, यू गॉट द अमेजिंग फैक्ट्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, करियर काउंसलिंग सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करिए, 12,500 प्लस लोग हो चुके हैं, डू इट नाउ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट वन में, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।